अस्सलाम वालेकुम तालिबा तालिबात, हम लोग अपना चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, अपना सबक जो पढ़ रहे हैं वो है रस्म रिवाज की पाबंदी के नुकसानात, और इसके हम कई इक्तबासात की जो तशरीह है और तफहीम है अल्फाज की वो हम कर चुके हैं। अब इसके जो हैं वो आखिरी इक्तबासात जो हैं वो आज आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। ये बात बेशक है कि किसी उम्दाबाद की ईजाद की लियाकत हर एक शख्स को नहीं होती, बल्कि चंद दाना शख्सों को होती है जिनकी पैरवी और सब लोग करते हैं, लेकिन रस्म की पाबंदी और इस किस्म की पैरवी में बहुत बड़ा फ़र्क है। रसूमात की पाबंदी में इसकी भलाई और बुराई और मुफीद और गैर मुफीद और मुनासिब हाल और मुताबिकत तबाह होने या ना होने का मुतलक ख्याल नहीं किया जाता और बग़ैर सोचे समझे इसकी पाबंदी की जाती है, और दूसरी हालत में बावजह पसंदीदा होने के और इसलिए दूसरी हालत में जो कुव्वतें तरक्की की इंसान में हैं वो मादूम और मक़ूद हो होती हैं, इल्ला पहली हालत में मादूम और नाबूद हो जाती हैं। पहले हम मुश्किल अल्फाज के मायने देख लेते हैं। मक़ूद का मतलब गायब होना, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया, देखें अभी आपको ये याद ही होगा कि जो हम रस्म और रिवाज की पाबंदी के नुकसानात का मुताला कर रहे हैं उससे हमें एक बात बिल्कुल वाज़े समझ में आ रही है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने मुख्तलिफ दलाइल के ज़रिए से रस्म और रिवाज की पाबंदी के नुकसानात पर जो है एक सैर हासिल बहस की है। अब वो क्या बता रहे हैं, अब इसमें वो ये बता रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी रसूमात हैं जिन्हें इंसान बग़ैर सोचे समझे अख्तियार कर लेता है। इसके अलावा ये रसूमात जब ईजाद हुई, जब इनका आगाज़ हुआ, इन रिवायतों का जब आगाज़ हुआ, तो हर कोई तो इस काबिल नहीं होता, हर किसी में तो ये सलाहियत और लियाकत नहीं होती कि वो किसी रस्म को ईजाद कर सके या उसे यानी अपने माशरे के सामने ला सके। अब उसमें से चंद ऐसे लोग होते हैं, दाना शख्स कह लीजिए, मुफक्किर कह लें, होशियार लोग कह लें, हम आसान लफ्ज़ों में अगर कहें कि चंद होशियार लोग होते हैं किसी भी माशरे में, उसे छोटी उस पर ले आएँ, कबीला कह लें, कौम कह लें, जमात कह लें, ग्रोह कह लें, उसमें जो मखसूस लोग होते हैं, देखें अक़ल तो वैसे अल्लाह ताला ने हम सबको ही अता फरमाई है और इसी की बिना पर हम सब जो हैं अशरफुल मखलूकात हैं, लेकिन अक़ल का इस्तेमाल और ज़्यादा अक़लमंदी या शऊर या आगही की जो यानी मौजूदगी है वो हर किसी में नहीं होती। अमूमन हम अक़ल को इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, लेकिन अक़ल का एक ऐसा इस्तेमाल जो सबके लिए हो उसको हम कह लीजिए कि शऊर कहते हैं, उसे हम आगही कहते हैं, और ये हर किसी में ये सलाहियत नहीं होती, ये अल्लाह ताला चंद लोगों को अता करता है। तो यकीनन जिन लोगों ने ये रस्म रिवायत जो भी है उसको जब पहली बार यानी वाज़े किया होगा तो यकीनन वो लोग इसमें वो लोग शामिल होंगे, यानी आम लोग शामिल नहीं होंगे। अब आ जाता है फ़र्क क्या है, यानी जिनकी पैरवी सब लोग करते हैं, यानी हम लोग सिर्फ पैरवी करने वाले हैं। पैरवी किसे कहते हैं, यानी किसी चीज़ पर अमल करना, कोई अमल हमारे सामने हो रहा है वैसे ही हम अमल जो है वो कर दें। अब पाबंदी क्या है, रस्म की पाबंदी और पैरवी में बड़ा फ़र्क है। अब रस्म की जब हम पाबंदी करते हैं तो क्या होता है कि हम ये छोड़ देते हैं कि वो चीज़ हमारे लिए अच्छी है बुरी है, हमारे हालात के मुताबिक है, हमारे लिए मुनासिब है नामुनासिब है, आया हमारी तबीयत के मुताबिक है या नहीं है, हम इन चीज़ों को पर गौर नहीं करते क्योंकि हम तो जो है बग़ैर सोचे समझे सिर्फ और सिर्फ पाबंदी किए जा रहे हैं, यानी हम पैरवी नहीं कर रहे, हम पैरवी नहीं कर रहे, पैरवी में हमारे पास फ़र्क आएगा, लेकिन हम पाबंदी कर रहे हैं और हम ये तमाम चीज़ों को जो है वो पसे पुश डाल देते हैं कि यानी जो है वो हमारे लिए अच्छी है बुरी है, हमारे हाल के मुताबिक है, हमें मुस्तकबिल में इससे कोई फ़ायदा पहुंचेगा, ये हम नहीं सोचते और उसकी पाबंदी करते हैं। जबकि पैरवी क्या है, पैरवी करना या अमल करना क्या है, यानी उसमें हमारी पसंदीदा जो कहना चाहिए खसूसियात हैं या जो चीज़ें हमारी पसंद की हैं या नापसंद की हैं वो तमाम उसमें शामिल होती हैं। इसके अलावा जो हमारी जो अल्लाह ताला ने हम सबको कुव्वत और सलाहियत अता की है, जो सबको अलहदा अलहदा में मिली है और हर एक में कुछ सलाहियतें मुनफरद हैं और बहुत सारी सलाहियतें ऐसी हैं जो हम लोगों में मुश्तरक हैं, तो वो तमाम सलाहियतें जब ही इस्तेमाल होंगी जब हम अमल करना शुरू करेंगे, क्योंकि अमल जब इंसान करता है किसी भी यानी चीज़
को अपनाता है तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जैसे हाल के मुताबिक, मौजूदा वक्त के मुताबिक, मौजूदा तकाज़ों के मुताबिक उसमें वो तब्दीली कर लेता है, पसंद के मुताबिक। अगर हमें कोई मखसूस अमल करना है और हम चाहते हैं कि वो अमल जो है हमारी पसंद के मुताबिक हो जाए, तो हम जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि हम कोई रंग इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो रंग अगर हमारी पसंद का होगा तो वो काम जो हम कर रहे हैं, जो अमल कर रहे हैं, हम जो रस्म इख्तियार कर रहे हैं या जो रिवायत हम अपना रहे हैं, तो उसमें हमें ज़्यादा न सिर्फ दिलचस्पी लेंगे बल्कि हमारा शौक़ भी होगा और इस वजह से वो अमल जो है वो पाबंदी से हट जाएगा। लेकिन जब पाबंदी लगा दी जाती है कि नहीं यही है, अब इसकी छोटी सी मिसाल ले लूँ, हम सब लोग जो है आपने देखा ही होगा, हम अक्सर जो है वो यानी मेहंदी या माइयों की तकरीब में शिरकत करते हैं, आपने देखा है वहाँ पर रंग मखसूस किया है, अगर माइयों है तो उसमें येलो कलर, पीला कलर, जर्दी रंग, ठीक है ज़ाफ़रानी भी कह सकते हैं, कई तीनों यही वाले रंग उसमें शामिल होते हैं, और अगर मेहंदी की तकरीब है तो उसमें फिर जो है वो सब्ज़, हरा या इस तरह के रंग होते हैं। तो हमने ये क्या किया, अब उसमें पसंद और नापसंद हो सकता है, किसी को पीला कलर पसंद ना हो, रंग पसंद ना हो, हो सकता है किसी को जो है वो सब्ज़ रंग अच्छा ना लगता हो, तो अब क्या है कि उस चीज़ को हम अपनाएं ज़रूर, जब अमल करें हम वो रस्म इख्तियार कर लें, लेकिन उसके अंदर हम रंग की तब्दीली कर सकते हैं, ठीक है। इस ये मैंने आपको मिसाल इसलिए दी ताकि आपको समझ में आए कि पाबंदी में और जो हम अपनाते हैं यानी पैरवी करते हैं उसमें क्या फ़र्क है, यानी हमारी तरक्की की जो कुव्वतें हैं वो हमारी ख़त्म नहीं होती, वो माधूम नहीं होती, वो तबाह व बर्बाद नहीं होती। जबकि पहली हालत में क्या होता है, यानी पहली हालत जब हम पाबंदी कर रहे हैं तो हमारी जो सलाहियतें हैं, ये कुव्वतें हैं, वो बिल्कुल तबाह व बर्बाद, नेस्त व नाबूद हो जाती हैं। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि रस्म की पाबंदी हर जगह इंसान की तरक्की की माने और मज़ाहम है। देखिए माने का मतलब होता है मज़ाहम, रुकावट, किसी चीज़ में रुकावट आ जाना, कोई अमल जो है वो रुक जाना। चुनाचे वो पाबंदी ऐसी कुव्वत तबई के जिसके ज़रिए से बनिस्बत मामूली बातों के कोई बेहतर बात करने का कस्त किया जावे बराबर मुखालिफ रहती है और इंसान की तनज़ुल हालत का असली बाइस होती है। अब मकसद क्या हुआ, कुव्वत तबई कहते हैं हमारी जो असली कुव्वत है जो हमें अल्लाह ने अता की है, जो फितरी हमारी सलाहियत है। कस्त कहते हैं इरादा, नाबूद का मतलब कहते हैं ना नेस्त व नाबूद, तबाह व बर्बाद कर देना, किसी चीज़ को जो है वो ख़त्म कर देना। अब आगे वो इस जो अगला इक्तिबास है उसमें ये कह रहे हैं सर सैयद कि रस्म की पाबंदी अगर हम कर रहे हैं, एक तो मिसाल उन्होंने दे दी, अगर रस्म की पाबंदी कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम मुसलसल अपनी तरक्की का रास्ता ख़ुद अपने हाथों से ही रोक रहे हैं, यानी हमेशा पाबंदी रस्म जो है वो हमेशा इंसान की तरक्की का रास्ता रोकती ही रहेगी। इसलिए क्या है, ऐसी पाबंदी जो कि कुव्वत तबई के ज़रिए से, यानी अगर ऐसी पाबंदी हमें अपनानी है और जो अल्लाह ने हमें हमारी तबीयत की मखसूस, मिजाज के मखसूस सलाहियतें, खासियतें जो उसने हमें अता की हैं, अगर हम उनकी बनिस्बत करें, यानी उनकी साथ उनको सामने रखते हुए उनके मुताबिक उनकी मुनासबत से करेंगे तो क्या होगा, जो हमारी छोटी छोटी मामूली मामूली बातें भी हैं तो उसमें क्या होगा कि वो बातें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन जब हम क्या करेंगे, हम अपनी पसंद को और इन चीज़ों को जो है वो बिल्कुल छोड़ देंगे और सिर्फ पाबंदी करते रहेंगे तो फिर क्या होगा, हम अगर इरादा भी करेंगे, हम चाहेंगे भी कि हमसे कोई अच्छा अमल हो जाए या हम अच्छी पाबंदी कर ले, तो वो क्या होगा, हमेशा उस अमल के मुखालिफ ही होगा, उसके ख़िलाफ़ ही जाएगा और इंसान की तनज़ुल हालत का असली बाइस होती है, यानी इंसान जो माशी और माशरती तौर पर जो है वो तनज़ुल का या ये कहना चाहिए कि ज़वाल का शिकार हो जाएगा। अब इसमें हम अहम नुकात का एक जायज़ा ले लेते हैं, रस्म की पाबंदी और पैरवी में फ़र्क ये मैंने आपको बता दिया। पाबंदी के वक्त इसके मुनासिब या नामुनासिब या हाल और मुस्तकबिल के मुताबिक नहीं होती, यानी ये बात हमने जान ली कि पाबंदी क्या है, पाबंदी दरअसल ये है कि जब हम ना अपनी मुनासबत को देखें, ना हम अपनी तबीयत को देखें, ना हम अपनी पसंद नापसंद को देखें, तो ये पाबंदी हो गई। जबकि पैरवी की सूरत क्या होती है, पसंदीदा होने की वजह से इंसान की कुव्वत तवा नहीं होती, यानी जो अल्लाह ने इंसान को ताकत और सलाहियत और कुव्वत से नवाजा है वो ख़त्म नहीं होती, वो मौजूद रहती है। रस्म की पाबंदी इंसान की तरक्की का रास्ता रोकती है, हमेशा रोकती है। उसके बाद पाबंदी अगर की जाए तो तबीयत के मुताबिक की जाए, अगर हमें रस्म को अपनाना ही है तो हम कोशिश ये करें कि अपने मिजाज के मुताबिक उसको ढाल लें। उसके बाद वरना क्या होगा, अगर हमने ये नहीं किया तो
हम माशरती हमारी ज़िंदगी जो है वो तबाही का आहिस्ता आहिस्ता करके शिकार होती जाएगी। और असल चीज़ याद रखिए, वो अरस्तू ने कहा था ना कि इंसान माशरती हैवान है, इसका मतलब क्या हुआ, हैवान से मतलब जानवर नहीं है, हैवान से मतलब ये है कि इंसान हमेशा अपने माशरे ही में रहना, हर जो भी अल्लाह ने जानदार पैदा किया है वो अपने ही माहौल में रहना चाहता है। तो हमारा माहौल हमारा माशरा है, तो वो हम क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके ख़ुद अपने ही माशरे को अपने हाथों से तबाह कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपने 11वें इक्तिबास की जानिब, जिसका आगाज हो रहा है, अब इस राय को दुनिया की मौजूदा कौमों के हाल से मुकाबला करो, तमाम मशरकी या एशियाई मुल्कों का हाल देखो कि इन मुल्कों में तमाम बातों के तस्फिया का मदार रस्म व रिवाज पर है, इन मुल्कों में मज़हब और इस्तिकाक और इंसाफ के लफ्ज़ों से रस्मों की पाबंदी मुराद होती है, बस अब देख लो कि मशरकी या एशियाई कौमों का जिनमें मुसलमान भी दाखिल हैं कैसा अबतर और ख़राब हाल है। अब पहले हम लफ्ज़ों के मायने देख लेते हैं, तस्फिया फैसले को कहते हैं, मदार इन्हिसार किसी चीज़ पे मुनहसर होना, किसी चीज़ पर यानी कहते हैं ना हम मुकम्मल भरोसा करते हैं उसे कहेंगे, इस्तेकाक दावे को भी कहते हैं, हकदार होने को भी कहते हैं, और अबतर कहते हैं ख़राब को। अब इस छोटे से इक्तिबास में सर सैद ने क्या बात कही है कि अब इस पूरे जायज़े के बाद उन्होंने ये बात बताई है कि रस्म व रिवाज की पाबंदी का अगर हम मुकाबला करें मशरकी ममालिक या जिन्हें हम एशियाई ममालिक कहते हैं, यानी उसमें कई ममालिक शामिल हैं, जैसे आज हम अगर हम नाम ले लें, सर सैद के दौर में तो खैर पाकिस्तान नहीं था, लेकिन आज अगर हम इसको नाम लेना चाहें तो पाकिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, यानी ये वाले ममालिक जो एशियाई ममालिक कहलाते हैं, और भी हैं क्योंकि एशिया तो आपको मालूम ही है कि सबसे बड़ा बर आज़म है, लेकिन इसका ये हिस्सा जो है यानी उन ममालिक पर मुश्तमिल है जहाँ पर क्या होता है रस्म व रिवाज की अंधाधुन तकलीद होती है, अंधाधुन नकल की जाती है, बगैर सोचे समझे नकल की जाती है। और क्या होता है उससे नुकसान, उससे नुकसान ये होता है कि इन मुमालिक में यानी जो रस्म की पाबंदी नहीं कर रहा उसे माशरे से बाहर समझा जाता है, उसके साथ बुरा सलूक किया जाता है, जो हम पीछे अपने मुख्तलिफ इक्तिबास में पढ़कर आए। अब क्या होता है इन मुल्कों में यानी मज़हब जो कि कह लीजिए कि एक तरह का हर एक का ज़ाती मामला होता है, हर इंसान का ज़ाती मामला होता है। देखिए हम ज़बान से मज़हब का इजहार कुछ भी करें, असल जो ईमान की दौलत होती है वो दिल में होती है, ईमान का ताल्लुक दिल से, अकीदे का ताल्लुक दिल से, बाकी इसी तरह से जितने भी मज़ाहिब हैं। अब किसी को सिर्फ ज़बान से कह देना या वो अपने हरकात और सकनात से या बाहर से कुछ दिखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके सिर्फ ज़ाहिर को देखकर हम उसके बारे में कहेंगे कि ये फ़लाँ फ़लाँ है, ठीक है। तो मकसद क्या हुआ कि इन ममालिक में ये जो हमारे एशियाई ममालिक हैं इनमें अमूमन क्या होता है, इनमें मज़हब को जो है हम ज़ाहिर से समझते हैं, यानी किसी के ज़ाहिर को देखकर हम उसके मज़हब का खुद ही अंदाज़ा लगा लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इससे हमारा अपना हक़ क्या है, हम अपने हक को नहीं पहचानते, हम दूसरों के हक़ को के जाने बड़े मुतवज्जो होते हैं कि भाई उसने हमारा हक़ अदा नहीं किया, हम क्या हक़ अदा, हमें क्या अपना हक़ अदा करना है, हमारा क्या फ़र्ज़ है, वो हम भूल जाते हैं, लेकिन हम दूसरों के हकूक़ की बड़ी बात करते हैं। उसके बाद इंसाफ़ क्या है, इंसाफ जो है हमारे यहाँ यानी इंसाफ़ की क्या तारीफ़ की जाती है, इंसाफ़ क्या है, दरअसल बराबर इंसाफ़ के अगर लफ्जी मायने की जाए तो दो बराबर या अदल जिसे कहते हैं, दो बराबर जगह चीज़ों को बांट देना या दो बराबर हिस्सों में बांट देना। अब हमारे यहाँ इंसाफ़ का कोई ऐसा तसव्वुर ही नहीं है, हमारे यहाँ इंसाफ़ आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा हम इंसाफ ही हमारे माशरे से, हर माशरे से याद रखिए जिस माशरे से इंसाफ मिटता जाएगा वो माशरा आहिस्ता आहिस्ता तबाही की जानिब जाएगा। तो हम लोग रस्म व रिवाज की पाबंदी को यानी कहते हैं कि ये इंसाफ है, यानी जो नहीं कर रहा वो नाइंसाफ़ है, और जो उससे इंसाफ कर रहा है, जो रस्म व रिवाज की अंधाधुन तकलीद कर रहा है वही दरअसल जो है वो इंसाफ पसंद है। बस अब हम अगर इन चीज़ों को सामने रख कर हम इन ममालिक का जो एशियाई ममालिक हैं उनका जायज़ा लें तो हमारे पास एक बात वाज़े आ जाती है कि जो उन्होंने अपनी हालत ख़राब की है उस हालत के ख़राब करने के वो ख़ुद ज़िम्मेदार हैं, यानी हमारी हालत माशी तौर पर भी ख़राब हो गई है और माशरती तौर पर भी ख़राब हो गई, और ये आज भी है और ये सर सैद के दौर में भी था, जब सर सैद ने जिस दौर में ये अपना यानी मज़मून तहरीर किया था, और अगर हम आज के दौर में भी करें यानी इतना गुजरने के बाद भी वक्त कोई ज़्यादा बड़ी जो है वो तगैर व तब्दीली नहीं आई। इसके अब अहम नुकात को एक बार फिर देख लेते हैं
तमाम मशरक़ी और एशियाई ममालिक में रसूमात की पाबंदी को अहम समझा जाता है, यानी जिसने रसूमात की पाबंदी नहीं की उसको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। इसके अलावा इन ममालिक में मज़हब हक़ और इंसाफ का दारोमदार रसूमात पर है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ को हम ये समझते हैं कि अगर उसने कोई रस्म इख्तियार की है, मखसूस रस्म इख्तियार की है, मखसूस लिबास पहना है, मखसूस ज़बान बोली है, या मखसूस कोई चीज़ है खाने की है, या कोई भी चीज़ है, अगर वो ये इस्तेमाल कर रहा है तब तो वो फ़लाँ मज़हब से ताल्लुक़ रखता है या उसका, तो ये हमारे यहाँ इन चीज़ों को देखा जाता है। और आखिर में क्या है, अब इन ममालिक को जब हम इस नज़र से देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है, तरक्की के, यानी तरक्की तो छोड़ दीजिए, तबाही की दलदल में आहिस्ता आहिस्ता फंसते जा रहे हैं और अभी तक फंसे हुए हैं। सर सैयद ने ये उस दौर में लिखा था, लेकिन अब भी हम तबाही की दलदल में फंसे हुए हैं। पता नहीं कितनी ऐसी रसूमात हैं हमारे इर्द गिर्द की। अगर हम अपने ममालिक की बात करें, पड़ोसी ममालिक की बात करें, आज हमारे पास जो है वो राबते की ज़्यादा बेहतर जो है वो सहूलियात मौजूद हैं। आज एक छोटा सा मामूली सा वाक़िया भी जो है वो होता है तो वो माशरती जो यानी वेबसाइट जिसे कहा जाता है उस पर वो फौरी आ जाता है और आप उससे अंदाज़ा लगा लेते हैं। मेरी बात आपको ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ में आ जाएगी कि जो कुछ यानी इंडिया में अक्सर वाक़ियात होते रहते हैं, वो कहते हैं ना अक़ल से बालातर, और वहाँ उनके वो रस्म कहलाती है। जैसे अभी आजकल जो है एक चला हुआ है कि कोरोना वायरस, और उसको वो ख़त्म करने के लिए उन्होंने अभी मैंने अभी थोड़ी देर ही पहले जो है वो मुताला किया कि कोरोना की उन्होंने एक देवी बना ली और उसकी उन्होंने पूजा शुरू कर ली। मतलब ये मकसद कहने का क्या है कि रसूम और रिवाज की पाबंदी जो है उसको उन्होंने असल में अपना जो है वो तमाम का तमाम यानी सामने रखा हुआ है बिला सोचे समझे। तो इस आज के जो दो पैराग्राफ थे दो इक्तबास से, उनसे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अब जो है हमारे इख्तितामी इक्तबासात का आगाज़ होने वाला है। और अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि हमने इस यानी कहते हैं ना एक तरह से इस पूरे मज़मून का निचोड़ क्या है, ख़ुलासा क्या है, और इससे हमने क्या हासिल किया। तो इंशाअल्लाह ताला हम इसको अपने अगले लेक्चर में मुताला करेंगे। शुक्रिया।